ट्रेड यूनियन व 25 से ज्यादा संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया और वहीं जेएनयू पर छात्र संगठन और वकीलों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। बुधवार 8 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी के तहत बिलासपुर में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कहीं छोटी दुकान बंद तो कहीं खुली भी दिख रही है। कुछ जगहों पर सरकारी कामकाज भी ठप है। डाक विभाग में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह पर हड़ताल पर बैठे दिख रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जुड़ गया क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार अभी पूरे देश में कभी एनपीआर कभी एनआरसी कभी सीए लेकर के काफी कंफ्यूज कर रखा है और जिससे पूरे देश की जनता सड़कों पर है और सीधे तौर पर ये जो कानून है ये एक संविधान पर प्रहार भी है, तो इसको लेकर के भी आज हम इस ट्रेडिंग यूनियन काउंसिल के साथियों के साथ समर्थन में आए हैं और हम सब एक दूसरे के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरे देश में आज ट्रेड यूनियन काउंसिल की तरफ से एक बंद का आह्वान हुआ है और पूरे देश में बड़े व्यापक तौर पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आंदोलन हो रहे हैं जिसमें ट्रेड यूनियन की तरफ से मजदूर किसान इनकी जितनी भी मांगे मोदी सरकार ने बोली थी वो आज तक उस तरह से वापस वादे के तौर पर लौटाई नहीं गई। उसी को लेकर के आज यहाँ पर 8 तारीख के बंद के आह्वान में हमारे कुछ छात्र साथियों के साथ हमारे कुछ वकील साथियों के साथ एनआरसी और सीए का भी क्योंकि माहौल ऐसा है कि जिसमें के विरोध में है। दूसरी बात जो जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पे हमले हो रहे हैं एबीवीपी आरएसएस जो भी है उनके द्वारा और ये बीजेपी सरकार इन हमलों पे चुप है उसके खिलाफ हमारे जो ये ट्रेड यूनियन के साथी हैं उनका भी हम लोगों को समर्थन मिला है और इसलिए ये आंदोलन बहुत अच्छा और सफल।